कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा झूठ के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इस बार इस देश में परिवर्तन होगा। मीडिया चाहे जितनी भी, बहुत सारे मीडिया को उन्होंने खरीद लिया है ना, सब लोग बुरा मत मानिएगा, हम सब लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो अरबपति मालिक लोग हैं वो आपका मुद्दा नहीं उठाता है ना, आपका मुद्दा कभी उठाता है? आप सबके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। जो अरबपति मालिक लोग हैं वो अपना ईमान बेच दिया है, कभी भी आपका मुद्दा टीवी पर नहीं दिखाता है। महंगाई की बात नहीं होती है, बेकारी की बात नहीं होती है, इस क्षेत्र की जो समस्याएं उसकी बात नहीं होती है, दिन भर समाज को लड़ाने का धंधा किया जाता है। इसीलिए उनको जितना ताकत लगाना है लगा लें। इस बार की लड़ाई एक तरफ वो हैं और दूसरी तरफ हम हैं, इस देश की जनता है, और हमको मिलकर के ये लड़ाई लड़नी है। बोलिए लड़ेंगे, लड़ेंगे। तो न्याय और अन्याय के इस संघर्ष में अन्याय हारेगा और न्याय की जीत होगी, इस बात को हमको याद रखना है। इसीलिए आप सबको अपनी एक जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। चुनाव में गिनती के 10-12 दिन बचे हैं और मैं जो हूं दिल्ली का सबसे गरीब प्रत्याशी हूं, मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, और सबसे गरीब प्रत्याशी होने के चलते 24 लाख वोटर हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में, 10 विधानसभा है और लगभग 2200 बूथ है, और हम तो जो है सांसद महोदय की तरह जो है शादी भी नहीं किए हैं, तो हमारा प्रचार तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना। तो आप अगर किसी ने कहा खत्म हो गया, अरे मोदी जी की तरह मुझे पूरी सरकार को पानी पिलानी है, पूरी पूरी की पूरी इनकी जमात को पानी पिलानी है, और मैं जवान आदमी हूं। मोदी जी एक भाषण दे रहे थे और भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70 साल के बुजुर्गों को उनका ये बेटा, ये सुन करके ही मुझे हंसी आ गई। 70 साल के लोगों को बुजुर्ग कह रहे हैं और खुद ही 74 साल के हैं। अगर वो जवान हो सकते हैं 74 साल की उम्र में, तो मैं तो अभी 40 भी पूरा नहीं किया हूं, बहुत वक्त है हमारे पास। आप समय की चिंता मत कीजिए। कुछ लड़के दौड़ कर आए और बोले सेल्फी खिंचा लीजिए, तो हम बोले बाद में खिंचा लेंगे, तो बोला बाद में आप नहीं मिलेंगे, हम बोले काहे नहीं मिलेंगे, जीता दो हम 5 साल यहीं रहेंगे। 5 बार दिन में सेल्फी खिंचा लेना है ना। तो आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि 24 लाख लोगों से 12 दिन में तो पहुंच नहीं सकते हैं, तो आप सबको एमपी कैंडिडेट बनना पड़ेगा। मैं कैंडिडेट नहीं हूं, आपको कैंडिडेट बनना पड़ेगा। बोलिए आप एमपी कैंडिडेट बनेंगे, तो आप ही एमपी कैंडिडेट हैं। गली गली जाना है, कॉलोनी कॉलोनी जाना है, और कोई किसका प्रचार कर रहे हो तो कहना कि अपना प्रचार कर रहे हैं, इस बार हम एमपी में खड़ा हुए हैं। और पूछेगा कि तुम्हारा नंबर क्या है, तो कह देना है कि 2 नंबर है। पूछेगा निशान क्या है, तो कह देना कि हाथ छाप है। करेंगे आप लोग मिलकर करेंगे, तो क्या कह रहे थे चचा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। और 25 मई को आप तमाम लोगों को अपने घरों से निकल करके वोट करना है, और इस बार अन्याय के खिलाफ न्याय को वोट करना है, अन्याय पे चोट करना है, हाथ को वोट करना है। करेंगे ना, पक्का। और आप सब ईमानदार लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं,
आप जब अपनी जुबान देते हैं तो उसको निभाते हैं। हमको पूरा भरोसा है कि इस लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। इस बार अन्याय हारेगा, न्याय जीतेगी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में परिवर्तन होगा और तानाशाही को हरा करके हम लोकतंत्र जिंदाबाद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को, हमारी माताओं बहनों को, तमाम बुजुर्गों और नौजवान साथियों को शुक्रिया अदा कहते हुए, धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया जी एक फोटो।